आज का यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ है दोस्तों, पॉइजन जनरेट्स पॉइजन, क्राइम जनरेट्स क्राइम। क्या है इसका मतलब? पॉइजन से पॉइजन बढ़ता है दोस्तों, क्राइम से क्राइम बढ़ता है दोस्तों, बस यही इसका सिंपल सा मतलब है। दोस्तों अगर मैं गुस्सा करता हूं सामने वाले को देख के, सामने वाला मेरे साथ गुस्सा गुस्से में बात कर रहा है, मैं भी उसके साथ गुस्से में बात करूंगा, तो मेरा गुस्सा और उसका गुस्सा दोनों मिलके गुस्सा बढ़ने वाला है, क्रोध और ज्यादा बढ़ने वाला है, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कोई मुझसे नफरत करता है और मैं उससे नफरत करना शुरू कर दूं, तो नफरत और नफरत दोनों मिलकर नफरत ही बढ़ने वाली है। कोई सामने वाला चिल्ला रहा है और उसको देखकर मैं भी चिल्ला रहा हूँ, तो उसका चिल्लाना मेरा चिल्लाना दोनों मिल जाएगा और वो डबल हो जाएगा। दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामने वाला जो व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, गलत व्यवहार जो कर रहा है, नेगेटिव व्यवहार जो कर रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, नफरत कर रहा है, द्वेष कर रहा है सामने वाला हमसे, हम भी अगर जो वो कर रहा है वही करेंगे तो हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? जब जो वो कर रहा है वही मैं करूंगा तो फिर समस्या का समाधान ही नहीं होगा, तब तो प्रॉब्लम और बढ़ने ही वाला है। तो अगर सामने वाले को जीतना है दोस्तों, तो जो सामने वाला कर रहा है उसका उल्टा करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों हम सब का जो परम स्वभाव है ना, वो शांति का स्वभाव, आनंद का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव है, साहस का स्वभाव है, संतुष्टि का स्वभाव है। हमारा ये ओरिजिनल क्वालिटी है हमारी आत्मा की, जिसको भगवान ने हमें देके भेजा है। हम उस क्वालिटी को भूल चुके हैं दोस्तों, और इसीलिए हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं, और दूसरा जैसा व्यवहार हमारे साथ करता है हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ओरिजिनल क्वालिटी को भूल चुके हैं। लेकिन कभी किसी कुत्ते को नहीं कहना पड़ता कि तू कुत्ता बन के तो दिखा, किसी जानवर को नहीं कहना पड़ता है कि तू ये बन के दिखा, तू वो बन के दिखा। क्यों? क्योंकि हर जानवर अपना परफेक्ट लाइफ जी रहा है, भगवान ने जो लाइफ उसके लिए डिजाइन किया है वही वो खा रहा है, वही वो आहार ले रहा है, वही विहार कर रहा है, वही लाइफ स्टाइल वो जी रहा है। उसको नहीं बोलना पड़ता है थोड़ा सा तो कुत्ता बन जा, थोड़ा सा तो ये बन जा, थोड़ा सा तो वो बन जा। वो अपनी लाइफ परफेक्टली जी रहा है, लेकिन इंसान को कहना पड़ता है थोड़ा तो इंसान बन जा, थोड़ा तो, अरे पूरा नहीं बन सकते भाई, थोड़ा बन जाओ, थोड़ा बन जाओ, थोड़ा बन जाओ, इंसान बन जाओ। यस दोस्तों, इंसान बन जाओ। सामने वाला जो कर रहा है वही हम करेंगे तो हमारे में उसके में क्या फर्क रहेगा? तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हमें उससे प्रेम करने की ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा प्रेम करने की ज्यादा जरूरत है, और उस पर दया करने की जरूरत है। सामने वाला हमसे नफरत कर रहा है, और ज्यादा उसके साथ प्रेम का व्यवहार करो, और अच्छी बातें करो, और मधुर बातें करो, और उसको समझो, उसको जानो, उसको अप्रिशिएट करो। करने दो नफरत, उसका ज्ञान है, अज्ञान है दोस्तों। सामने वाला चिल्ला रहा है, शांति से बात करो। जितना सामने वाला ज्यादा चिल्ला रहा है उसके साथ उतना और शांति से बात करो दोस्तों। क्यों किसी और के स्वभाव के लिए, क्यों किसी और के नेचर को देख के हम अपने नेचर को क्यों बदले? हमारा जो ओरिजिनल क्वालिटी है, हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है, हम उसको क्यों छोड़ें किसी और की वजह से? हम क्यों बदले भाई? सामने वाला चिल्ला रहा है तो मैं क्यों चिल्लाऊं? अगर मेरा शांत रहने का स्वभाव है, प्रेम करने का स्वभाव है, कूल रहने का स्वभाव है, सब्र करने का स्वभाव है, संयम रखने का स्वभाव है, तो किसी और को देख के, किसी और की परिस्थिति को देख के हम क्यों बदल जाएं? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए दोस्तों। इस बात को मैं और समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों। नदी में एक संत स्नान कर रहे थे, नदी में एक संत स्नान कर रहे थे, और स्नान करते 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 उनको एक बिच्छू ने काट लिया। जब बिच्छू ने काटा तो काटने के बाद वो पानी में गिर गया। पानी में गिरा तो उस बिच्छू को साधु ने अपने हाथों में उठाया, फिर से उसने डंक मार दिया, फिर वो पानी में गिर गया, फिर उन्होंने उठाया, फिर उन्होंने उसको डंक मारा साधु को, और फिर से वो पानी में गिर गया। ये दृश्य उनका शिष्य किनारे बैठे देख रहा था, दौड़ कर गया, बोला गुरु जी ये डंक पे डंक मारे जा रहा है, डंक पे डंक मारे जा रहा है, और आप इसको उठाते जा रहे हो, इसको बचाते जा रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो साधु ने जो उत्तर दिया दोस्तों बहुत जबरदस्त था, पॉइजन जनरेट्स पॉइजन, क्राइम जनरेट्स क्राइम। साधु ने कहा बेटा बिच्छू का काम है डंक मारना, वो डंक मार रहा है, वो अपना काम कर रहा है, साधु का काम है बचाना, मैं उसे बचा रहा हूं। क्यों मैं किसी और की वजह से अपने स्वभाव को बदलूं दोस्तों?
बिच्छू डंक मारेगा, वो उसका स्वभाव है, भगवान ने उसको स्वभाव दिया है डंक मारने का, वो अपना काम कर रहा है, मेरा स्वभाव है उसे बचाना, मैं उसे बचाने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। हम लोग अपना सब्र तोड़ देते हैं, लोगों को माफी नहीं करते हैं, लोगों के साथ वो जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही करने लगते हैं, इसीलिए हमारी लाइफ में तकलीफें आती है, समस्याएं आती है, प्रॉब्लम आती है और हमसे कोई मिलना भी नहीं चाहता फिर। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अपने स्वभाव को किसी और के स्वभाव की वजह से, बिहेवियर की वजह से चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वही लीजिए, और सामने वाले को अगर जीतना है, सामने वाले को अगर बदलना है, सामने वाले को इमोशनली अगर अपने बस में करना है तो उसके साथ उल्टा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पॉइजन से पॉइजन ही बढ़ेगा, क्राइम से क्राइम ही बढ़ेगा।